वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जोग जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, लोक परलोक सहायक कुल आलम, दो जहान वालिए, गुरता गद्दी ते ब्राजमान, दसा ही पातशाही दी आत्मिक जोत, तन तन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अज अमृत वेले, सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी अमृतसर तो आए, मुख पावन वाक बिलावल राग दे अंदर, शहीदा दे सरताज नाम बाणी दे बोहित, कलयुग दे इलाही अवतार, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दी मुखार बिन तो उचारण किया होया शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन अंग 809 ते सुभाईमान है। गुरु प्यारी साहिब संगत जीओ, गुरु चरणा दे विच हाजरियां लवाइए ते प्यार सेत आओ, गुरु फतेह नाल सांझ पाइए, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मन दी एकाग्रता दे नाल शब्द दी टेक लैंदिया होया गुरु चरणा दा ध्यान धर के रल के शब्द दी विचार नाल जुड़िए जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज पावन वाक दे अंदर बख्शिश करदे हन। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता। हे मित्र, हे प्यारे, गुरु दी कृपा दे नाल मानो लूले मनुख लंगड़े मनुख भी पहाड़ा तो पार लंघ जाते हैं। खल चतुर बकीता ते महामूर्ख मनुख सियाने विख्याता बन जाते हैं। गुरु महाराज जी ने अज संगत विच आउण दी, गुर चरणा दे नाल जुड़न दी, साध संगत दे विच बैठन दी महिमा नूं बयान किया है कि सतसंग करन दे नाल किड़े किड़े चमत्कार हो सकते हैं। साध संगत करन दे नाल किस किस तरह दे मन दे विकार ते केड़िया केड़िया बरकतां सानू प्राप्त हुंदियां हन। महाराज यही बख्शिश करदे हन, हे प्यारे, हे भाई, गुरु दी कृपा दे नाल मन लो कि लूले मनुख पहाड़ां तों भी पार लंघ जांदे हन ते महामूर्ख मनुख सियाणे विख्याता विख्यान करन वाले बन जांदे हन। अंदले त्रिपावन सूजिया, गुर भेट पुनीता। हे भाई, गुरु नूं मिल के मनुख पवित्र पावन जीवन वाले हो जाते हैं। कोई पापी विकारी मनुख भी साध संगत दे विच आ जावे ते गुरु नूं मिल के साध संगत विच बैठ के पवित्र जीवन वाला हो जाता है। तो अन्या नूं भी, अन्ने मनुख नूं भी तिन्ना भवना की सोझी जड़ी आ हो जाती है।
महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। रहाओ वाली पंक्ति दे अंदर महाराज बख्शिश करते हैं, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। हे मेरे प्यारे मित्र, गुरु दी संगत दी वडियाई ध्यान दे नाल सुन के साध संगत दे विच गुरु दी संगत विच आउण दी केड़ी केड़ी वडियाई है, केड़ी केड़ी बरकत है, ध्यान दे के सुन। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पाए चीता। रहाओ जेड़ा भी मनुख नित बिना नागा हर रोज गुरु दी संगत विच बैठदा है, गुरु दी संगत करदा है, गुरुद्वारे जांदा है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उस दे अंदरों विकारां दी मैल दूर हो जाती है, उस दे करोड़ां ही पाप कटे जाते हैं, नाश हो जाते हैं, दुख दलिद्र विकारां दी मैल सारे सारा कुछ उसका गुरु दी संगत करन दे नाल, संगत विच बैठन दे नाल दूर हो जाता है। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। ठहरा दे के महाराज बख्शिश करते हैं, ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। हे मित्र, साध संगत विच आके कीती हुई परमात्मा दी भगती आश्चर्य ताकत रखती है, ते इस दी बरकत दे नाल कीड़ी ने हाथी नू जित लिया है। कीट हस्ती जीता, कीड़ी ने हाथी उत्ते जित प्राप्त कर ली है, भाव कीड़ी रूपी निमरता ने अहंकार रूपी हाथी नू हाथी वर्गे मन नू जित लिया है। जो जो कीनो आपनो तिस अपै दान दीता। जो जो कीनो आपनो तिस अपै दान दीता। भगती उत्ते प्रसन्न हो के जिस जिस मनुख नू परमात्मा ने अपना बना लिया, उस नू परमात्मा ने निरभैता दी दात बख्श दित्ती है। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता। हे मित्र, सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता। हे प्यारे मित्र, गुरु दी संगत दी बरकत दे नाल शेर रूपी हंकार बिल्ली निम्रता बन जाता है, तीला गरीबी स्वभाव तृण भाव के तीला अर्थात गरीबी रूपी स्वभाव सुमेर पर्वत मेर कहते ने पर्वत नू सुमेर पर्वत बड़ी ताकत दिसन वाला लग पैंदा है, भाव के गुरु दी संगत दी बरकत दे नाल शेर बिल्ली बन जाता है, बिल्ली वर्गा शेर रूपी हंकार जड़ा या बिल्ली रूपी निमरता दे विच आ जाता है, ते तीला रूपी स्वभाव जड़ा या सुमेर पर्वत वर्गा वड्डी ताकत रखण वाला बन जाता है। श्रम करते दम आड़को ते गनी तनीता। ते जेड़े मनुख पहला अद्धी अद्धी कोड़ी वास्ते धक्के खांदे फिरदे सन, श्रम करते दम आड़को श्रम मेहनत जेड़े अद्धी अद्धी कोड़ी वास्ते धक्के खांदे सन मेहनत करदे सन ते गनी तनीता,
ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਧਨਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀਤਾ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਆਖ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦਲ ਗਰੀਬੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।